हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम अमूल लाइव पे बनाएंगे ब्रोकली चीज कबाब विथ रोज योगर्ट डिप। तो उसके लिए हमें चाहिए ब्रोकली। ब्रोकली को मैंने पानी में ब्लांच कर ली है और फिर इसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। ये 250 ग्राम जैसी है हमारी ब्रोकली, मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। आप चॉपर में चॉप भी कर सकते हो। फिर मैंने लिया है एक उबला हुआ आलू, उसको भी मैंने ग्रेटर में ग्रेट कर लिया है। फिर मैंने लिया है अमूल का ये पनीर और उसको भी मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। ये अराउंड 100 ग्राम जैसा है। अभी हम इसमें डालेंगे अमूल की मोज़रेला चीज, 2 चम्मच डालेंगे हम इसमें। और एक जाएगा हमारा अमूल का ये चीज क्यूब। और इसको हम ग्रेट कर लेंगे इसमें। साथ ही में मैंने यहाँ पे एक स्मॉल अनियन चॉप कर लिया है, वो हम ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। एक चम्मच हम अदरक लहसुन और ग्रीन चिली की पेस्ट डालेंगे। और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून जैसा, और धनिया पाउडर 1 टीस्पून। और 1/2 टीस्पून हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्ट डालेंगे। और मैंने यहाँ पे बाइंडिंग के लिए सत्तू का पाउडर लिया हुआ है, रोस्टेड चना का पाउडर, वो हम अभी 2 चम्मच डालते हैं। फिर हम बाइंडिंग होने के देखते हैं कि कैसा हो रहा है। फिर अगेन हम थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया डालेंगे। हम अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, बाद में हमको सत्तू पाउडर की जरूरत पड़ी तो हम उसमें 1 चम्मच और डालेंगे। इसको हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको हमें हल्के हाथ से ही मिक्स करना है। पनीर और चीज की वजह से ये एकदम सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाला बनेगा हमारा ये कबाब। और ये अच्छी तरह से अभी मिक्स हो गया है। अब हम इसके कबाब्स बना लेंगे। मैंने कबाब्स के शेप के लिए राउंड कुकी कटर लिया है, हम इसको इससे शेप देंगे। इस तरह से मैंने बॉल साइज में ले लिया है। फिर इसको हम इस तरह से रखेंगे। और इस तरह से हमारा ये कबाब रेडी है। इस तरह से बाकी हम बना लेंगे।
आप ऐसे भी इसको शेप दे सकते हैं, और मैंने यहाँ पे कुकी कटर का यूज किया हुआ है। फिर हम इसको सैलो फ्राई करेंगे। इसमें सारी चीजें वैसे भी पकी हुई है, मतलब पनीर है, चीज है, उसको हमें जस्ट ऊपर से सैलो फ्राई करना है। अब एक लास्ट हम बना देते हैं, ये सारे कप अब हमारे बनके अभी रेडी है। इसको मैं भी साइड पे रख देती हूँ, थोड़ा सा हैंड वॉश कर लेती हूँ। ये फ्राई पैन रख दी है। अब हम यहाँ पे इस कबाब पे हम इस तरह से हाफ कैश्यू रखेंगे। इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं। मैं बना रही हूँ ब्रोकली चीज कबाब विथ रोज डिप। यहाँ पे मेरा ये पैन गरम हो चुका है, इसको हम अभी सैलो फ्राई करेंगे। अब इसमें ऑयल ऐड करते हैं 2 चम्मच जैसा। इसको हमें दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। स्लो फ्लेम पे अभी मैंने इसको रखा है, अभी मैं थोड़ा सा मीडियम फ्लेम करूंगी। इसको पकने में 3 से 4 मिनट लगेंगे दोनों तरफ। आप देख सकते हो ये कितना अच्छा इसका कलर आया हुआ है। इसको हमें थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि हमारा जो कैश्यू लगा है वो भी अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए।
कबाब अभी हमारे रेडी है। ये बहुत सॉफ्ट और क्रीमी होते हैं। अभी ये पूरी तरह से बनके रेडी है, इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे जो ये मैंने ब्रोकली के थोड़े से फ्लोरेस रखे उसको हम इस तरह से स्टीर फ्राई कर लेंगे प्रेजेंटेशन के लिए। और उस पर हम थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर ऐड करेंगे। अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखो आप कितने अच्छे हमारे ये कबाब्स लग रहे हैं और हमारे रोटी भी इसी तरह से स्टीर फ्राई हो गई है। इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब हम इसका प्रेजेंटेशन करते हैं। अभी हम इसके लिए अमूल मस्ती दही से एक डिप बनाएंगे। के लिए मैंने यहाँ पे अमूल मस्ती दही ले लिया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसमें हम एक
चम्मच रोज सिरप ऐड करेंगे। ये मेरी डिश का नाम है ब्रोकली चीज कबाब विथ रोज योगर्ट डिप। और इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अभी हम इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। ब्रोकली चीज कबाब विथ रोज योगर्ट डिप। और इसमें हम थोड़ा सा धनिया भी ऐड करेंगे। और ये हमारा रेडी है योगर्ट रोज योगर्ट डिप। ये इस कबाब के साथ बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है, खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है इसका। अभी हम इसको प्रेजेंट करेंगे। इस डिप को हम इस तरह से कटोरी में निकाल लेंगे। और जो ये हमारे कबाब्स हैं, हम इस मैं यहाँ पे रखूंगी। जो मैंने ये स्टर फ्राई किए हुए हम ब्रोकली यहाँ पे रखेंगे। ये हमारी डिश अभी रेडी है ब्रोकली चीज कबाब विथ रोज योगर्ट डिप। मैं आपको एक ये ब्रेक करके दिखाती हूँ कि कितना ये सॉफ्ट बना है, आप देख सकते हो ये। और मोजरेला की वजह से ये थोड़ा सा चीज भी हमें दिख रहा है। ये बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाएगा ऐसा बनेगा। देखो ये हमारा चीज कबाब। आई होप आप सबको मेरी ये डिश बहुत पसंद आई होगी। ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, आप ऐसे घर पे आसानी से बना सकते हो। और बच्चों के टिफिन के लिए तो बहुत बेस्ट है। थैंक यू अमूल फॉर गिविंग मी चांस फॉर दिस लाइव। थैंक यू सो मच। मैं अपना लाइव यहाँ पे खत्म करती हूँ। जिन जिन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया उस सभी को थैंक यू सो मच।
थैंक यू अर्चना मैम।